अस्सलाम वालेकुम, आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर इजी और डिलीशियस ब्रेड ब्रेकफास्ट रेसिपी जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट विदाउट अवन हम बनाएंगे। ये इतना सॉफ्ट और फ्लफी है कि आप अपने बच्चों के साथ भी इसको बनाना पसंद करेंगे। एक दफा ये मजेदार और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट आप तैयार कीजिए, आपका फेवरेट बन जाएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे खुला सा बर्तन और उसमें हम डालेंगे 420 ग्राम मैदा। मैदा हम भर के डाल लेंगे। उसके बाद आपने इसमें डालना है सूजी, ये एक्स्ट्रा फाइन सूजी है 150 ग्राम। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक ले लीजिए। और साथ ही हम इसके अंदर ड्राई खमीर डाल देंगे 20 ग्राम। आपने क्वांटिटी का ख्याल बहुत ज़्यादा करना है, क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इन सब ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 340 ml। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप शामिल कीजिए और बस फिर आपने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको गूंदना है। कितनी जबरदस्त हमारी ये डो तैयार हो रही है। हमने इसमें ड्राई खमीर का इस्तेमाल किया है और नीम गर्म पानी का, तो वो जब एक्टिव होंगे तो फिर आपके ये डो डबल हो जाएगी। ये देखिए कितनी स्मूथ मैंने इसको गूंद लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। एक घंटे के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। इस तरह आप कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लीजिए। जब ये साइज में डबल हो जाएगी तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए ये साइज में डबल हो चुकी है। आप इसको हल्का सा बस फ्रेश कर लीजिए। हम थोड़ा सा मैदा सरफेस पे डाल देते हैं। उसके बाद हम इस डो को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दो हिस्सों में आप इसको तकसीम कर दीजिए। एक हिस्सा लेकर आपने उसको बेलना है। बिल्कुल आपने मोटी सी जो रोटी होती है ना, वैसी आपने इसको शेप देनी है। बिल्कुल बारीक नहीं करना, हाथ से ही आपने इसको पेड़े की शक्ल देनी है। जो आटे का पेड़ा हम बनाते हैं ना, उस तरह आपने इसको सख्त करके बिल्कुल भी पेड़ा नहीं बनाना। हाथ से ही आप इसको थोड़ा सा पहले हिला लीजिए और फिर बेलने से हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बड़ा करते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी ये रोटी की शक्ल में आती जा रही है। आपने इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना। उसके बाद हम ये गोल शेप का कटर ले लेंगे और फिर हम इसको काटते जाएंगे। ये देखिए इस तरह आप इसको शेप दीजिए। ये बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी। इस तरह हमने इनकी कटिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा पीसेस है वो हम अलग कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी ये ब्रेड तैयार हो रही है। ये देखिए इतनी ये जो है मोटी होनी चाहिए। और अब हम एक पैन लेंगे, खुला सा पैन ले लीजिए जिसमें ज्यादा तादाद में ये ब्रेड आ सके। और फिर हम इसको ऐसे रख कर आपने तकरीबन 8 मिनट देने हैं एक साइड पर और 8 मिनट दूसरी साइड पर। फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि अंदर तक ये पक सके। और इस तरह आप पलटते जाइए। याद रखिए कि ये बहुत गर्म होती है, इसलिए जब पलटने लगे तो एहतियात से आप इसको उठाइए। और ये देखिए दोनों तरफ से ये पक चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो हमारे पास और पीसेस हैं वो हम डालते जाते हैं। और इसी तरह आपने 8-8 मिनट हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है। ये देखिए मजेदार टेस्टी और यूनिक सी ब्रेकफास्ट ब्रेड तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बटर लिया है, उसमें मैंने डाली है सेसमे सीड्स। आपकी मर्जी है, आप जितनी भी डाल सकते हैं। ये ब्रेड काफी गर्म होती है इसलिए आप एहतियात से आप इसको बटर लगाइएगा। दोनों तरफ हमने बटर लगा देना है। और ये बहुत ही टेस्टी, ना सिर्फ खाने बल्कि देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह एक एक करके हम सब इन ब्रेकफास्ट ब्रेड पर ये बटर लगाते जाएंगे। सेसमे सीड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन ब्रेड के साथ। ये रेसिपी बच्चों को सरप्राइज कर देगी। सुपर इजी और डिलीशियस ब्रेड ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि सिर्फ 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं विदाउट अवन एक्स्ट्रा सॉफ्ट।
उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।